बकरईद है, मुबारक दिन है, मोहतरम दिन है और आज के दिन कुर्बानी की जाती है। तो उस कुर्बानी के सिलसिले में मैंने पैगाम दिया है, यहाँ से ईदगाह के मिंबर से पैगाम दिया है कि कुर्बानी अमन अमान, चैन और सुकून और सलामती के साथ करें और हर तरह की रियायतें रखें उसके अंदर। और दूसरा पैगाम मैंने नशे के ख़िलाफ़ दिया है कि किसी भी तरीके से नशा ना करें, नशे की आदत बुरी है, उसके बड़े गुनाह हैं और नशा करने वाला समाज के अंदर भी जलील समझा जाता है, उसको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखता और उससे जिस्मानी भी कमज़ोरी आती है, उसका जिस्म अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने नशे के ख़िलाफ़ आज ज़्यादा आवाज़ उठाई है और लोगों से अपील की है, दरख्वास्त की है कि नौजवान नस्ल भी ये नशे को छोड़े और उनके माँ बाप से भी अपील की है कि वो भी अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो बच्चे कहीं इस गलत काम के अंदर तो नहीं पड़े हुए, उन पर नज़र रखें। ये पैगाम आज सबसे अहम था जो मैंने दिया। देखिए, ये पहले से तैयारियां थी और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जो नमाजियों की भीड़ पिछली ईद से मैं कम समझ रहा हूँ और एकदम स्मूथली सब कुछ चल रहा है। 6 बजे से ही नमाज कई जो हमारे मस्जिद हैं उसमें अता की गई है, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, व्यवस्था एकदम ओके। और अभी जो हमारी भीड़ है लगभग हम 4 से 5 हज़ार के आसपास मान रहे हैं, तो व्यवस्थाएँ ओके रहेंगी।